वेलकम बैक सीए फाउंडेशन के एक नया मैथ्स के चैप्टर के साथ आप सभी का स्वागत करते हैं। तो प्यारे दोस्तों, जैसे कि आप लोग देख रहे हो कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ऊपर है। तो ये जो चैप्टर है ना, ये एक्चुअली बहुतों को बहुत टफ लगता है, लेकिन अगर इसे हम लोग ध्यान से पढ़ेंगे तो बहुत ही आसान टॉपिक के साथ इसे हम लोग कवर कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है, क्वाड्रेटिक मतलब क्या होता है। सबसे पहले टर्मोलॉजी को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि क्वाड्रेटिक का मतलब क्या होता है। चलिए पहले बोर्ड पे आते हैं ताकि चीज़ों को समझ पाए, उसके बाद इंस्टीट्यूट के मैथ को रेफ़र करेंगे हम लोग। ओके चलिए, तो क्वाड्रेटिक का मतलब होता है मेरे प्यारे दोस्तों, क्वाड्रेटिक का मतलब जिसका जिस भी टर्म का पावर 2 हो। इसका मतलब अगर हम जनरल टर्मोलॉजी लिखना चाहें या फिर जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो क्या होगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। ओके, वेयर ए नॉट इक्वल टू 0। तो जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम यहीं से रिप्रेजेंट करते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। इसका यह मतलब हुआ कि ये जो ए बी और सी जो है इसे हम कहेंगे कॉन्स्टेंट, या फिर कह सकते हैं कोएफिशिएंट। क्या कहेंगे, कोएफिशिएंट, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एक्स एंड एक्स टू डी पावर 0। इट मीन्स डैट जो ए जो रिप्रेजेंट करता है, ये ए रिप्रेजेंट करता है कोएफिशिएंट एक्स स्क्वायर का, बी करता है एक्स का, और सी करता है एक्स का पावर 0 का। एक एग्जांपल के साथ देखें तब चीज़ों को और अच्छे से हम लोग समझ पाएंगे। ठीक है, जैसे मान के चलिए आपको एक इक्वेशन यहाँ पे दिया हो, 6x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0 दिया है। ओके, तो वाइल कंपेयरिंग द इक्वेशन विद द जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, व्हाट्स वी विल गेट ए इज इक्वल टू 6, वी इज इक्वल्स टू माइनस 5 एंड सी इज इक्वल्स टू 1। ओके, तो चीज़ें समझ में आ रही हैं क्या होता है जनरल रिप्रेजेंटेशन। अब हम जो है ना एक एक करके धीरे धीरे इसको देखेंगे। ठीक है, पहले एक बार इंस्टीट्यूट के मैट में देखते हैं क्या दिया हुआ है, फिर आगे बढ़ेंगे। ओके चलिए, देखिए एन इक्वेशन, जैसे कि यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है, एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0, वेयर एक्स इज अ वेरिएबल एंड ए बी सी आर द कॉन्स्टेंट विथ ए नॉट इक्वल टू 0। मेरे प्यारे बच्चों, ये जो दिख रहा है ना वे ए नॉट इक्वल टू 0, इसका बहुत बड़ा योगदान रहता है। ठीक है, ये क्यों होता है ये मैं आपको बोर्ड पे समझाता हूँ। चलिए बोर्ड पे आइए पहले। चलिए पहले बोर्ड पे देखते हैं इसको क्यों ऐसा होता है। ठीक है, फिर से मैं एक बार लिखता हूँ, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0, और यहाँ पे ए नॉट इक्वल टू 0 होता है। अगर मान के चलो कि मैं ए का वैल्यू जो है ना 0 कंसिडर कर लेता हूँ, ठीक है, ए का वैल्यू मैं क्या करता हूँ 0 कंसिडर कर लेता हूँ, होगा क्या, अगर मैं यहाँ पे 0 लिखता हूँ, 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। ओके, तो 0 से अगर हम एक्स स्क्वायर में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या वैल्यू आएगा, 0 आ जाएगा, प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। इसका मतलब बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0, ये क्या है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ना हो करके ये क्या बन जाता है भाई, ये बन जाता है एक लीनियर इक्वेशन विथ वन वेरिएबल, और यहाँ वेरिएबल क्या है, वेरिएबल यहाँ पे एक्स है। समझ में आ रहा है, तो ये क्वाड्रेटिक फॉर्म नहीं रह जाता है। तो इस इक्वेशन को क्वाड्रेटिक फॉर्म बनाने के लिए ये बहुत ही निहायती ज़रूरत है कि हम यहाँ पे ए नॉट इक्वल टू 0 का मेंशन करें, नहीं तो जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन ना बनके वो लिनियर इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाता है और हमारा जो है प्रोसेस रॉन्ग हो जाता है। ओके, सो आगे देखते हैं इंस्टीट्यूट के मैट में क्या दिया हुआ है।
चलिए आइए। तो यहाँ पे दिया है a नॉट इक्वल टू जीरो इज कॉल्ड अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन और इक्वेशन ऑफ द सेकेंड डिग्री। When b is equal to zero, the equation is called the pure quadratic equation. And b not equal to zero, the quadratic equation is called the Now, अगर देखें यहाँ पे दे रहा है कि b is equal to zero है, the equation is called the pure quadratic equation. कैसे होगा ये देखते हैं एक बार, हम लोग बोर्ड पे देखते हैं। ओके चलिए आइए। अब हमें क्या दे रहा है, अब हमें कह रहा है कि b इज इक्वल्स टू जीरो दे दो, है ना। अब क्या करना है, b का वैल्यू जीरो दीजिए। चलिए दीजिए, इफ b इज इक्वल्स टू जीरो देन हमें क्या मिलेगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी इंटू जीरो प्लस सी इज इक्वल्स टू जीरो। इट मीन्स डैट ए एक्स स्क्वायर प्लस ये तो पार्ट जीरो हो गया हमारा, c इज इक्वल्स टू जीरो, और इसे ही हम लोग कहते हैं प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके ये क्या हो गया हमारा, प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक एग्जांपल देखते हैं तब समझ में आएगा आपको कैसे है। मान के चलिए मैं लिखता हूँ 2x स्क्वायर माइनस 5 इज इक्वल्स टू जीरो आपको दिया हुआ है ना। यहाँ पे देखिए कोफिशिएंट ऑफ b क्या है, जीरो है, मतलब बी सॉरी कोफिशिएंट ऑफ एक्स जीरो है, मतलब बी का मान क्या है आपको जीरो दे रखा है। तो हम क्या करेंगे, अगर इसमें से हम क्या करेंगे, एक्स का वैल्यू जब निकालेंगे तो एक्स इज इक्वल्स टू क्या आएगा, टू एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू फाइव। सो एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू फाइव बाई टू, सो एक्स इज इक्वल्स टू प्लस माइनस ऑफ रूट फाइव बाई टू। ये प्लस माइनस ऑफ रूट प्लस ये जो है ना रूट ओवर फाइव बाई टू कैसे आया, अब इस चीज़ को एक बार समझते हैं। हो सकता है कि आप लोग जो है ना मैथ से बहुत दिन से आप लोगों का कोई वास्ता नहीं रहा है, और मैं तो यही मानता हूँ कॉमर्स वालों का थोड़ा सा मैथ जो है वीक रहता ही है। तो इस चीज़ को अभी हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि ये कैसे आया, प्लस माइनस साइन जो है क्यों आया। बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है इस प्लस माइनस साइन को देखना कि ये प्लस माइनस का साइन क्यों आता है। चलिए तो हम लोग ना बोर्ड पे एक बार समझने की कोशिश करते हैं कि ये जीरो जो आ रहा है ये प्लस माइनस कैसे आ रहा है साइन, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखते हैं ध्यान से देखिएगा। पहले क्या है, यहाँ से हम लोग कंसिडर करते हैं, ओके एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू फाइव बाई टू। ओके नाउ एक फार्मूला आपको याद आ रहा होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला, अगर किसी बच्चे को पता है तो बताए, ए प्लस बी ए माइनस बी। ओके ये होता है हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फार्मूला रहता है, ठीक है। चलिए अगर हम इसको लिखना चाहे एक्स स्क्वायर माइनस फाइव बाई टू रूट फाइव बाई टू का होल स्क्वायर हम लिख देंगे इज इक्वल्स टू जीरो, अगर इधर इसको ला के माइनस साइन के साथ कर लिए। अब हमें ये देखने को मिल रहा है कि ये पार्ट ए मान लो, ये पार्ट बी मान लो, ठीक है। तो ए का होल स्क्वायर माइनस बी का होल स्क्वायर, इसका मतलब एक बार प्लस में एक बार माइनस में हम इजीली इसको लिख सकते हैं। चलिए लिखिए एक्स माइनस रूट फाइव बाई टू ब्रैकेट एक्स प्लस रूट फाइव बाई टू इज इक्वल्स टू जीरो, ठीक है। अब हमें जो है ना फैक्टराइज में दो टर्म हमको गिवेन है, अब हम इसे लिखेंगे इधर और इधर क्या है, एक्स माइनस रूट फाइव बाई टू इज इक्वल्स टू जीरो। सो x इज इक्वल्स टू ये अगर उधर जाएगा तो प्लस में रूट में फाइव बाई टू आएगा, अगर इसके लिए लिखेंगे x प्लस रूट फाइव बाई टू इज इक्वल्स टू जीरो, सो x इज इक्वल्स टू माइनस रूट फाइव बाई टू, ये हमारा आंसर हो गया। जो प्लस माइनस साइन जो है यहाँ पे मैं जो शॉर्ट में लाया था ये पूरा डिटेल में ऐसे आता है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों चीज़ों को समझने की कोशिश करना है आपको, है ना, हर चीज़ का कंसेप्ट को क्लियर करना है, ठीक है। सवाल तो हो जाएगा बट आपको अगर एक बार में कंसेप्ट क्लियर हो जाता है तो भी इजीली कुछ हमें करना नहीं है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर।
ओके तो अभी देखिए यहाँ पे कुछ एग्जांपल आपको इंस्टीट्यूट के मैट में दिया हुआ है। 2x² + 3x + 5 = 0 है ना, x² - x = 0, 5x² - 6x - 3 = 0 है ना। अब हमें यहाँ पे एक यहाँ पे टर्म आपको देखने को मिल रहा है, हाउ टू फाइंड आउट द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट का मतलब क्या होता है, पहले हम रूट के जानेंगे, रूट क्या होता है सबसे पहली बात है ना, क्योंकि आपको जो है ना रूट निकालने के लिए सबसे पहली बात कि रूट क्या होता है वो पता होना चाहिए। बहुत सारे सोच रहे होंगे रूट का तो मतलब सर जड़ होता है, पेड़ पौधे की जड़, यहाँ पे पेड़ पौधे की जड़ नहीं है, है ना, यहाँ रूट्स है, रूट्स है ना। तो ध्यान दीजिए, जो हम लोग बचपन में एक बार जो है ना सीखे होंगे, थोड़ा सा मेमोराइज कर लो, चलो बचपन ताज़ा कर लेते हैं एक बार, x² - x - 6 = 0। चलिए ये यहाँ पे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे को गिवन है। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम क्या करेंगे, सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। चलिए कैसे होगा, मिडिल टर्म फैक्टर सभी को याद है, मिडिल टर्म फैक्टर हम लोग करते थे क्या था, पहले हम इसका जो है ना एलसीएम लेते थे, तो 6 का एलसीएम ले लीजिए यहाँ पे, 2 से लेंगे तो 3 टाइम्स। अब हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करके तो 6 लाना है, और क्या करना है मेरे प्यारे बच्चों, प्लस माइनस करके हमको -1 लाना है, ठीक है। चलिए तो हम देख पा रहे हैं 3 में से अगर 2 जाएगा तो 1 ईजिली आ जाएगा, तो इसे कैसे लिखना है, और का साइन दे दीजिए, x² - यहाँ लिखिए 3 - 2 ब्रैकेट में x - 6 = 0। आप देखिए 3 में से 2 जाएगा 1, 1 में से x मल्टीप्लाई होगा तो -x ईजिली आ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, x² - 3x - -+2x - 6 = 0। नाउ क्या करना है हमें, इन दोनों में हमें कॉमन लेना है, तो इन दोनों में हम क्या कॉमन लेंगे, x, तो यहाँ से x बचेगा, यहाँ से -3 बचेगा, इन दोनों में क्या कॉमन ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, तो यहाँ से x - 3 = 0। समझ में आ रही है, आगे बढ़े। अब दोनों में क्या करेंगे, x - 3 कॉमन ले लेंगे, है ना, तो x - 3 कॉमन लेंगे, थोड़ा सा ये टफ होता है समझना इसको, x - 3 कॉमन लेंगे तो यहाँ से क्या बचेगा, x + 2, ये तो कॉमन चला गया, = क्या बच गया, 0, इसको समझना है, ठीक है। आगे देखें, और अब क्या करेंगे, और नहीं करेंगे, आइदर और करेंगे, आइदर और, x - 3 = 0 एंड x + 2 = 0, सो x = 3 x = -2। तो मेरे प्यारे बच्चों ये दोनों क्या हुआ, आंसर हुआ, और शायद आपको पता नहीं होगा, देखिए ये जो दोनों दिख रहा है ना 3 और -2, इसी को हम लोग रूट्स ऑफ द इक्वेशन कहते हैं, क्या कहते हैं, रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ओके। तो ये तो हुआ मिडिल टर्म से आया हुआ रूट्स, अगर आपको मिडिल टर्म्स में कुछ दिया हो, अगर वो रूट्स निकल के आ जाता है तो उसे हम लोग इजीली समझ लेते हैं कि क्या हो रहा है, लेकिन जिसका हम मिडिल टर्म फैक्टर करना पॉसिबल नहीं है, जिसका मिडिल टर्म फैक्टर नहीं कर सकते हैं, मैं इसको मिटाता हूँ, ठीक है, एक और एग्जांपल दिखाता हूँ आपको, जिसका मिडिल टर्म फैक्टर करना पॉसिबल नहीं है, तो उनके लिए क्या करेंगे हम, वो बात की बात, पहले देखो एक बार, x² ओके -x + 7 अगर दे दिया यहाँ पे, तब क्या करेंगे, अब इसका मिडिल टर्म फैक्टर तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 7 को जब हम एलसीएम लेने जाएंगे तो 7 × 1, तो 7 में से 1 जाके कभी भी जो है 1 आ ही नहीं सकता है, तो इसका मिडिल टर्म करना हमें पॉसिबल नहीं है। तो इसके लिए क्या करना है, हमें जो है ना एक टर्म जो है रूट लाने का एक प्रोसेस करना, प्रोसेस को देखना है कि कैसे हम ला सकते हैं। पहले हम क्या करते हैं, जनरल टर्म लिखते हैं, ax² + bx + c = 0, a ≠ 0 है ना। अभी हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है, सॉल्व करके हमें यहाँ से x का वैल्यू लाना है। एक बात ध्यान रहे, अगर किसी भी चीज़ किसी भी वेरिएबल का पावर अगर 1 है तो उसका 1 वैल्यू आएगा, 2 पावर है तो 2 वैल्यू आएगा, उसे हम लोग कहते हैं द इक्वेशन विथ डिग्री 2। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिग्री कितना होता है, 2 होता है, अगर यहाँ पावर 3 होता तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होता, बट उसका डिग्री कितना होता, 3 होता, अगर पावर x का 4 है तो उसका डिग्री कितना होगा, 4 होगा, ठीक है, और उसके 4 वैल्यू आना पॉसिबल होगा, ठीक है। तो अभी हम लोग देखते हैं कि इसे हम सॉल्व करके जो है क्या ला सकते हैं। चलिए
हम क्या करेंगे, सबसे पहले ए से डिवाइड कर देंगे सभी में, यहाँ भी यहाँ भी, जब भी ए से डिवाइड करेंगे तो ए एक्स स्क्वायर बाई ए प्लस बी एक्स बाई ए प्लस सी बाई ए इज इक्वल्स टू ज़ीरो, जीरो बाई ए, ठीक है। तो ए ए यहाँ से कट गया तो क्या आया एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए को अलग लिखिए, एक्स को अलग लिखिए, सी बाई ए, और ज़ीरो बाई ए मतलब क्या होता है भाई, ज़ीरो होता है क्योंकि जीरो में किसी चीज़ से डिवाइड करते तो वो हमें ज़ीरो देता है, ठीक है। पहले हमने क्या किया, एक्स स्क्वायर को कोफिशिएंट फ्री किया। अब कोफिशिएंट फ्री का मतलब ये होता है कि उसमें कोफिशिएंट कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है नहीं कह सकते, कोफिशिएंट वन है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कुछ भी नहीं होता कोफिशिएंट, लेकिन हम क्या किए ए से इसको फ्री किए, ओके, ए यहाँ पे हमने नहीं रखा। अब हमें क्या करना है, हमें एक स्क्वायरिंग फॉर्म में, एक परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में इसको कन्वर्ट करने की कोशिश करना है कि कैसे होगा, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, समझिएगा इस चीज़ को, ठीक है। चलिए, तो x का होल स्क्वायर प्लस 2a, a भी हम x को कंसिडर कर रहे हैं, और b के लिए हमें क्या लिखना होगा, हमें इसी को कन्वर्ट करना है, सो b बाई 2a लिख दिए, तो देखिए 2 कट गया तो b बाई ए एक्स जो है ऑटोमेटिक आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 2a और b, देखिए यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, पहले समझिए, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो हमने तो ए स्क्वायर लिख दिया था, 2 लिख दिया, a के जगह पे x को लिख दिया, और b के प्लेस पे देखिए ये है पूरा, ओके, ये है पूरा। अब इसके लिए हमको यहाँ पे बी स्क्वायर लिखना होगा, जो कि यहाँ पे कहीं भी नहीं है। चलिए लिखते हैं, बी स्क्वायर मीन्स बी बाई 2a का होल स्क्वायर, ओके, प्लस ये क्या है, c बाई a है, इसको मैंने प्लस लिया है तो यहाँ पे मुझे माइनस करना होगा, बी स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर इज इक्वल टू 0, है ना, क्योंकि ये स्क्वायर करेंगे तो बी स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर ही आएगा, तो इसको मैंने यहाँ पे एक्स्ट्रा ऐड किया था तो यहाँ पे मैंने सब्ट्रैक्ट किया, हालांकि कट के ये 0 आएगा इसलिए, ठीक है। मुझे कि अब बहुत लोग सोच रहे होंगे सर क्यों किए, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक जो हमें दिख पा रहा है कि एक परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है, ठीक है, इसलिए हमें ऐसा कदम उठाना पड़ा, ठीक है। तो चलिए करते हैं, एक्स प्लस बी बाई 2a होल स्क्वायर, ओके, इज इक्वल्स टू, हम क्या करेंगे इन सभी चीज़ों को उस तरफ लेके चले जाएंगे, ठीक है। तो ये इसको जब उधर ले जाएंगे तो माइनस प्लस हो जाएगा ना, प्लस बी स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर माइनस सी बाई ए, ओके, सो और लिखते रहना है आपको, एक्स प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, एलसीएम ले लीजिए, 4a स्क्वायर एलसीएम आ गया हमारा, ठीक है। तो यहाँ से क्या बचेगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac, इधर से क्या बचा, 4ac बचा, ओके, सो एक्स प्लस बी बाई 2a होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, अब यहाँ से होल स्क्वायर हटाइए आप, जैसे ही होल स्क्वायर हटाइएगा तो इधर प्लस माइनस आ जाएगा, ये मैंने बता दिया कैसे आता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 4a स्क्वायर, ओके। चलिए अब थोड़ा सा हम इधर आ जाते हैं, ओके, उसके बाद देखिए आप, प्लस माइनस हो गया, यहाँ से क्या आउट होगा, x इज इक्वल्स टू, ये वाला जो पार्ट है वो उस तरफ जाएगा, इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, माइनस बी बाई 2a, और इस तरफ क्या है, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 4a स्क्वायर था अंडर में, तो 2a बाहर हमारा आ गया, ओके। नाउ हम क्या करेंगे भाई, x इज इक्वल्स टू 2a कॉम एलसीएम ले लेंगे, तो यहाँ से बचेगा माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, ओके, तो यही हमारा जो हुआ x का वैल्यू, और x का यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि एक वैल्यू है, बट वास्तव में एक वैल्यू नहीं है, दो वैल्यू है, कैसे है देखिए, अगर आप यहाँ से देखिए प्लस माइनस, एक बार प्लस वाला लीजिए, तो लेट अस एज्यूम 1 root of the given equation is alpha and other is beta. So the value of alpha will be, alpha is equals to minus b plus under root b square minus 4ac divided by 2a, and the value of beta will be minus b minus अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a, है ना। तो ये हमारा
वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। तो ये अल्फ़ा और बीटा अलग से कुछ है नहीं, इसको टर्म में जो है कन्वर्ट कर लिया गया है। अल्फ़ा का मतलब एक्स ही है और बीटा का मतलब भी एक्स ही है। तो यहाँ तक आप जो है नोट डाउन कर लीजिएगा। इसको देखिए भाई, अगर आप सोचिएगा कि देख के आप समझ जाइए सीख जाएंगे, तो ऐसा कभी पॉसिबल नहीं हो सकता है। आपको चीज़ों को समझना होगा, ठीक है, कैसे क्या है इसको आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझना होगा, तब जाके आपको समझ में आएगा। आइए इंस्टीट्यूट के मैट में देखते हैं क्या कुछ दिया हुआ है, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए देखिए, यहाँ पे दिया वही चीज़ है, यहाँ पे सॉल्व किया गया है, सॉल्व किया गया। देखिए यहाँ पे x का वैल्यू आया है माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस फोर ए डिवाइड बाई टू ए, ओके। अब यहाँ पे सम और प्रोडक्ट की बात कर रहा है। अब सम या प्रोडक्ट क्या होता है पहले इसको समझो, ठीक है, फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। चलिए आइए, मैं इसे रफ करता हूँ, ठीक है, इस साइड वाला करता हूँ, इस तरफ वाला रहने देना होगा हमें, इसका हेल्प लगेगा हमें, ठीक है। अब सम का मतलब क्या होता है, सम का मतलब होता है जोड़। तो सम ऑफ द रूट क्या लिखेंगे, सबसे पहली बात सम ऑफ द रूट मतलब जो आपको वैल्यू आया ना उसका सम करना है, मतलब अल्फा प्लस बीटा इन दोनों को अगर आप जोड़िएगा, चलिए जोड़ लेते हैं, हालांकि ये डायरेक्टली बताया जा सकता था लेकिन आपको एक एक स्टेप बताना ज़रूरी है, फर्स्ट क्लास है, उसके बाद आप लोग को चीज़ों को समझना खुद समझ में आ जाएगा। बीटा का वैल्यू लिख लीजिए, माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी डिवाइड बाई टू ए। चलिए तो अगर हम टू ए कॉमन लेते हैं तो क्या आता है, माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी प्लस माइनस माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, ओके। सो आप देखिए ये प्लस माइनस होने के कारण ये कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, मतलब ऐड होगा, बट साइन तो माइनस बी का ही रहेगा ना। टू ए टू टू कैंसिल हो गया, तो आपको दिख रहा होगा अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए आ रहा है ना। ये चीज़ जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सिमिलरली जब हम प्रोडक्ट की बात करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स मतलब अल्फा बीटा, अब मैं इसे करा नहीं रहा हूँ, डायरेक्टली मैं लिख दे रहा हूँ। जब अल्फा बीटा आप कीजिएगा तो अल्फा इंटू बीटा मतलब इन दोनों को जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तब क्या आएगा, सी बाई ए आ जाएगा। तो इसे भी आप लोग बिल्कुल नोट करके रख लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई, एक बार देख लेते हैं मैट क्या कहता है। चलिए तो आपको मैट में भी दिख रहा होगा सम ऑफ द रूट, यहाँ पे माइनस बी बाई ए दिखने को मिल रहा है, प्रोडक्ट ऑफ द रूट क्या मिल रहा है, सी बाई ए दिखने को मिल रहा है, ओके। अब हमें जो है ना एक हाउ टू कंस्ट्रक्ट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कंस्ट्रक्शन हम कैसे करेंगे यहाँ पे ये देखना है। सबसे पहली बात कि मैं एक बार एग्जाम्पल दे करके इन चीज़ों को समझाने की कोशिश करता हूँ, फिर आगे बढ़ूँगा, ठीक है। चलिए आइए बोर्ड पर, क्योंकि फार्मूला देखने से बात नहीं बनता है, जब तक फार्मूला को अप्लाई कहाँ करना है ये अगर हमें ना पता चले तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है, फिर तो सीखना व्यर्थ है ना। चलिए क्वेश्चन किस तरीके की आ सकता है, आपको एक बार मैट में ही दिखाता हूँ एक क्वेश्चन को, ताकि ज़्यादा बेटर से समझ पाओगे आप, ठीक है। चलिए चलिए देखते हैं एक बार, चलिए ये क्वेश्चन नंबर वन देखिए। इफ़ अल्फा एंड बीटा बी द रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस सेवन एक्स प्लस ट्वेल्व देन फाइंड द इक्वेशन, ये थोड़ा सा अलग है बट आप इसमें से ही एक क्वेश्चन को निकाल सकते हैं। इफ अल्फा एंड बीटा बी द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस देन, देखिए क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस सेवन एक्स प्लस ट्वेल्व इज इक्वल्स टू जीरो, ओके। आइए बोर्ड पे इसको मैं समझने की कोशिश करते हैं हम लोग, ठीक है। देखिए इक्वेशन क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस सेवन एक्स प्लस ट्वेल्व इजिकल टू जीरो, और क्या दिया हुआ था, अल्फा और बीटा जो है इन इक्वेशन का रूट्स दिया था।
तो सम ऑफ द रूट निकालिए। आपको बोलेगा क्या कि अल्फा एंड बीटा आर द रूट ऑफ द अबव इक्वेशन, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा स्क्वायर बाई अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। या फिर आपको सम टाइम क्या क्या चीज़ें दे सकता है एक बार देख लो, ये दे सकता है, ध्यान से देखना, एक ही सवाल में पूरा चीज़ खत्म हो जाएगा। यहाँ पे अल्फा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फा दे सकता है। नंबर थर्ड क्या दे सकता है, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब दे सकता है। नंबर फोर्थ क्या दे सकता है, अल्फा स्क्वायर बाई बीटा प्लस बीटा स्क्वायर बाई अल्फा दे सकता है। ओके, नंबर फिफ्थ क्या दे सकता है, अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर दे सकता है। अच्छा, यहाँ देखिए नंबर सिक्स क्या दे सकता है, अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर डिवाइडेड बाई अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर दे सकता है, है ना। और क्या देगा, और बहुत खुश हुआ तो एक और दे देगा, अल्फा माइनस बीटा दे सकता है। या फिर नंबर एट, अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर दे सकता है। तो ये सारे चीज़ें पॉसिबिलिटी बनता है कि अगर अल्फा बीटा से क्वेश्चन अगर वो निकालता है तो इन चीज़ों को वो अरेंज करके दे सकता है। एक एक करके समझेंगे। सबसे पहली बात, अगर मान के चलिए कि एक्स स्क्वायर प्लस सेवन एक्स प्लस ट्वेल्व इजिकल टू जीरो है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है, इसका अल्फा बीटा अगर रूट है, तो सबसे पहली बात होता है कि सम ऑफ द रूट निकालेंगे। अल्फा प्लस बीटा क्या आएगा मेरे प्यारे बच्चों, जानते हैं माइनस बी बाई ए होता है। अब यहाँ पे बी कौन सा है, सेवन है, और ए कौन सा है, वन है। इसका मतलब अल्फा प्लस बीटा का जो वैल्यू आया अल्टीमेट क्या आया, सेवन डिवाइडेड बाई वन, इट मीन्स डेट माइनस सेवन आया। एंड द प्रोडक्ट ऑफ द रूट क्या आया, अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू सी बाई ए होता है, सी का वैल्यू ट्वेल्व है, ट्वेल्व बाई वन डेट इज ट्वेल्व। यानी अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू माइनस सेवन एंड अल्फा बीटा का वैल्यू कितना आ गया, प्लस ट्वेल्व आ गया। ठीक है, अब हम एक एक करके सवाल को करेंगे, एक दो सवाल कराएंगे, बाकी आपके लिए रहेगा। चलिए पहला सवाल को देखते हैं। ये सवाल क्या दिया है, नंबर एक सवाल, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसे कैसे करेंगे। अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस टू अल्फा बीटा लिख सकते हैं, चूंकि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस टू ए बी, हमने इसी फॉर्मूला में इसको कन्वर्ट किया। अब क्या करना है, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू यहाँ पे देखिए क्या है, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू माइनस सेवन है, लिखिए माइनस सेवन का होल स्क्वायर माइनस टू, अल्फा बीटा का वैल्यू है ट्वेल्व, लिख दीजिए माइनस सेवन का होल स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, सेवन सेवन जो फोर्टी नाइन माइनस ट्वेंटी फोर, अब इसे ट्वेंटी फोर घटाइए तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ट्वेंटी फाइव निकल के आंसर आपका आ जाएगा। इसका मतलब इसका वैल्यू कितना आ गया, ट्वेंटी फाइव आ गया। चलिए समझ में आया कि नहीं आया, आया होगा बिल्कुल। चलिए अभी देखते हैं, ये सम्स को देखते हैं, है ना, इसका हम सॉल्यूशन यहीं पे निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है, देखिए अगर मान के चलिए इसका अगर हम अल्फा बीटा एलसीएम लेते हैं तो यहाँ से अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर होगा, क्योंकि बीटा से बीटा करते तो अल्फा बचा, अल्फा से अल्फा में होल स्क्वायर होता है, और अल्फा से अल्फा करना तो बीटा इंटू बीटा बीटा स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब देखिए आपको इसका वैल्यू ऑलरेडी नॉन है, हमने निकाल रखा है ट्वेंटी फाइव, चुपचाप यहाँ पे ट्वेंटी फाइव बिठा दीजिए। ओके, ट्वेंटी फाइव डिवाइडेड बाई अल्फा बीटा का वैल्यू पता है आपको ट्वेल्व है, या ट्वेल्व बिठा दीजिए तो ये आपका आंसर हो गया। या तो ये लिख दीजिए, या तो टू इज टू, टू सही दो सही चौबीस एक बाई बारह, ऐसे भी लिख सकते हैं, मिक्स फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं, है ना। मिक्स फ्रैक्शन आता है ना सभी को, आता होगा, नहीं आता है तो कमेंट कीजिएगा, बता दूंगा अगले सेशन में कभी भी। ठीक है, अब रह गया हमारा अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू। चलिए अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू की तरफ बढ़ते हैं कि अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू क्या होगा। चलिए अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू, ओके, तो अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू का फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, अल्फा प्लस बीटा का होल क्यू माइनस थ्री अल्फा बीटा ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा। ओके, सो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू माइनस सेवन का होल क्यू माइनस थ्री अल्फा बीटा ट्वेल्व, इट इज माइनस सेवन। ओके, सो सेवन का होल क्यू, सेवन इंटू सेवन इंटू सेवन, तो जब ऑड नंबर होता है ना, अगर ब्रैकेट में माइनस होता है तो रिजल्ट भी हमारा माइनस में आता है, तो माइनस थ्री फोर्टी थ्री होगा। ओके, एंड दिस विल बिकम माइनस माइनस प्लस, ठीक है, बढ़ते हैं छत्तीस, छत्तीस में सात से मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है, सात छः बयालीस का दो सत्रह के इक्कीस, इक्कीस और चार पच्चीस। ओके, मैं थोड़ा कैलकुलेटर अवॉइड करता हूँ, आप चाहो तो कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हो, ठीक है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। सो माइनस ट्वेंटी माइनस नाइन्टी वन विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, माइनस नाइन्टी वन। ओके, तो जो यहाँ पे जो सम्स आपको दिख रहा है, अल्फा स्क्वायर बाई बीटा प्लस बीटा स्क्वायर बाई अल्फा, इसे हम यहीं पे सॉल्व कर लेंगे।
अल्फा बीटा एलसीएम लेंगे तो यहाँ होगा अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। ओके, तो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का वैल्यू ऑलरेडी मैंने फाइंड कर लिया है यहाँ पे -91। यहाँ बैठा लीजिए -91 डिवाइडेड बाई ये 12 है ना, या तो इसे ऐसे ही छोड़ दीजिए या तो मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके आंसर लिख दीजिएगा। इट्स डिपेंड ऑन द गिवन ऑप्शन, ऑप्शन में क्या दिया हुआ है। ओके, और बाकी सम्स भी आप कर सकते हो, ट्राई करना। अगर नहीं समझ में आता है तो मुझे कमेंट करना, मैं जो है अगले क्लास में बता दूंगा आपको, ठीक है। चलिए अब आते हैं हम लोग फिर से मैट में। चलिए चीज़ें समझ में आ रही होगी आप लोगों को, ठीक है। देखिए कुछ कुछ चीज़ें यहाँ पे आपको देखना होगा, ठीक है, कि क्या क्या चीज़ें दिया हुआ है। अब डिस्टेंट रूट क्या होता है, नेचर ऑफ द रूट क्या होता है, या फिर किसी चीज़ को हम लोग अगर निकालते हैं तो उसे कैसे निकाल सकते हैं, है ना, इन सारी चीज़ों को अभी हमें डिस्कस करना है, ठीक है। सबसे पहले एक बार बोर्ड में आते हैं, ठीक है, मैट को छोड़ो यार, मैट चलते रहता है, बोर्ड में आओ, मैं कुछ चीज़ों को बता देता हूँ, ठीक है। बाकी मैट में जो दिया है वो देखते रहेंगे, कभी भी देख सकते हैं, आप भी वो खोल के देख सकते हो, उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ना, उसे हमें देखना है, फॉर्मेशन ऑफ न्यू इक्वेशन इफ रूट्स आर गिवन। एक नए इक्वेशन का फॉर्मेशन आपको करना है अगर आपको उसका रूट दिया हो, है ना। तो इसका जो फॉर्मेशन का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, ध्यान से देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट, सम ऑफ रूट्स ब्रैकेट एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल्स टू जीरो, है ना। कैसे हुआ देखो, अगर मान के चलिए कि एक इक्वेशन कोई भी इक्वेशन का एक अल्फा बीटा रूट आपको पता है ना, अल्फा मतलब एक्स का वैल्यू आपको पता है, मान लीजिए अल्फा बीटा वो एक्स का वैल्यू है, तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा ब्रैकेट एक्स प्लस प्रोडक्ट रूट मीन्स अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू जीरो, है ना। तो इस फॉर्मूला को भी आप अप्लाई कर सकते हो, आइदर इस फॉर्मूला को भी आप अप्लाई कर सकते हो। एक एग्जाम्पल देखते हैं, मान के चलिए आपका एक्स का वैल्यू दिया है, एक का 2 दिया है, एक का -3 दिया हुआ है, ठीक है। तो आपको कह रहा है कि एक नए इक्वेशन का फॉर्मेशन कीजिए अगर आपको रूट्स दिया हुआ हो, तो तब क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से देखिए, कुछ नहीं करना है, इसको अल्फा कंसिडर करना है, इसको बीटा कंसिडर करना है। सो एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ पुट कर दीजिए सम ऑफ द रूट, ब्रैकेट दीजिए 2 माइनस 3 एक्स प्लस 2 into -3 इज इक्वल्स टू जीरो। सो इट्स विल बिकम एक्स स्क्वायर दैट्स माइनस माइनस प्लस एक्स एंड दैट्स बिकम -6 इज इक्वल्स टू जीरो। दैट विल बी द न्यू इक्वेशन हुज रूट्स आर 2 and -3। ओके, तो ऐसे भी आपको जो है एग्जाम में देखने को मिल सकता है इक्वेशन, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेचर ऑफ द रूट्स की तरफ। नेचर ऑफ द रूट्स क्या होता है, कहने का ये मतलब हुआ कि जो रूट मिलेगा आपको वो कैसा रूट होगा, क्या होगा नहीं होगा, उसके बारे में समझना है, ठीक है। सबसे पहली बात, जो नॉर्मल इक्वेशन है फाइंड करने का वो क्या है, -b + √(b² - 4ac)/2a। तो मेरे प्यारे बच्चों, जो इसके अंदर जो दिख रहा है ना, इसे हम कहते हैं मेन कैरेक्टर। मैंने यही आपको डिसाइड करेगा, जैसे कि एक इंसान का कैरेक्टर को क्रिटिसाइज करने के लिए क्या चीज़ हो सकता होता है, कि उसका हार्ट कैसा है, वो क्या फील करता है नहीं करता है, उससे कैसे पता चलता है, उसके हार्ट से पता चलता है, उसके मन से पता चलता है, उसके दिल से पता चलता है। तो ये हो गया एक तरह से हार्ट, उसका दिल हो गया, ठीक है। तो इस इक्वेशन का ये दिल क्या है, ये यही डिसाइड करके देता है कि आपका जो नेचर होगा रूट का, मैंने अल्फा और बीटा का जो वैल्यूज होगा वो किस तरीके का होगा, यही आपको डिसाइड करके देता है, ठीक है। तो सबसे पहली बात, इसको हम लोग क्या कहते हैं, तो इसको हम लोग हिंदी में विरूपण कहते हैं, खैर हिंदी की बात नहीं है यहाँ पे, इंग्लिश में इसको जो हम लोग डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं, क्या कहते हैं, डिस्क्रिमिनेंट, ओके, एंड डिनोटेड बाई डी, ओके, डी इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, ओके। सो
वेन एवर डी अगर हम लिखेंगे तो आप समझ लीजिएगा बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी लिख रहे हैं, ठीक है। तो चलिए लिखते हैं, ध्यान दीजिए। सबसे फर्स्ट केस, केस वन, केस वन हमें क्या कहता है, अगर d का वैल्यू जो है इक्वल टू जीरो हो जाए, मतलब बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी का जो वैल्यू है इक्वल टू जीरो आ जाए, तब क्या कहेंगे, तब कहेंगे रूट्स आर, रूट्स आर रियल एंड इक्वल, रूट्स आर रियल एंड इक्वल। तो मेरे प्यारे बच्चों ये होता है परफेक्ट स्क्वायर। क्या होता है परफेक्ट स्क्वायर, अब मैं बताऊंगा परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है, ठीक है। मान के चलिए एक एग्जांपल देखते हैं, पहले मैं इसको डिसाइड कर लेता हूँ कि ये कैसे होता है, ठीक है। एक एग्जांपल देखिए आप, यहाँ पे मान के चलिए लिखा हो एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस फोर इज इक्वल टू जीरो आपको दिया हुआ हो, ठीक है। जब आप इसको सॉल्व करोगे तब आपको क्या मिलेगा, ध्यान से देखना, जब सॉल्व कर रहे होगे तो आप देखिए, आप कैसे भी सॉल्व कर सकते हो इसको, देखो मैं नॉर्मल टर्म से भी कर सकता हूँ। देखो एक्स का होल स्क्वायर माइनस टू ए, ए के लिए एक्स होगा, बी के लिए टू होगा, प्लस टू का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू जीरो। सो एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू जीरो, इसे दो बार लिखिए एक्स माइनस टू इंटू एक्स माइनस टू, क्योंकि होल स्क्वायर है इसलिए इज इक्वल टू जीरो। सो एक्स इज इक्वल्स टू एक बार टू, फिर एक्स इज इक्वल्स टू दूसरे बार भी टू। तो यहाँ पर दोनों वैल्यू देखिए टू टू हो रहा है, यही चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है। रूट्स तो रियल है बट क्या है, इक्वल है, दोनों इक्वल आएगा। और ये देखिए एक परफेक्ट स्क्वायर भी है, परफेक्ट स्क्वायर को डिनोट करता है, इसलिए मैंने यहाँ पे एक परफेक्ट स्क्वायर वाली बात कही है, ठीक है। अब देखते हैं एक बार केस टू, केस टू हमारा क्या कहता है, डी का वैल्यू ग्रेटर देन जीरो हो। ग्रेटर देन जीरो का मतलब हमेशा वैल्यू पॉजिटिव में आए, मतलब बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी का जब सॉल्व करोगे तो आपको वो पॉजिटिव में वैल्यू जब दे तब हम इसे कहते हैं डी ग्रेटर देन जीरो। तब क्या होता है, रूट्स आर, ध्यान से देखिए, रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल, ध्यान दीजिएगा अनइक्वल, यहाँ पे बात इक्वल की हो रही है, यहाँ पे बात अनइक्वल की हो रही है, ठीक है, दोनों में यही फर्क है। लास्ट एक केस बच जाता है आपका केस थर्ड, अगर डी का वैल्यू लेस देन जीरो हो, लेस देन जीरो का मतलब ये होता है मेरे प्यारे बच्चों कि उसका जो वैल्यू है डी का वैल्यू सॉल्व करके इसका वैल्यू वो माइनस में आए। और मेरे प्यारे बच्चों मुझे बताइएगा माइनस थ्री का वैल्यू होता है क्या, वैलिड है, नहीं है, ठीक है, ये एक इमेजिनरी पार्ट हो गया, ठीक है, ये इसे कल्पना किया जा सकता है बट इसे सॉल्व कभी हम लोग कर नहीं सकते हैं, ठीक है। ये बाद में इन फर्दर जो है हायर स्टडी में, हालांकि आपको सिलेबस में नहीं है, एक कम्प्लेक्स नंबर बोल के एक चैप्टर है, उस चैप्टर में इसको जो है डिस्कस किया गया है कि इसका सॉल्यूशन कैसे होगा। खैर वो रेंज के बाहर है, आपको इन करने की ज़रूरत नहीं है, हमें यही जानना है कि नो रूट्स आर फाउंड। यहाँ क्या होगा केस थर्ड में, नो रियल रूट्स, इमेजिनरी तो पॉसिबल है बट रियल रूट्स, नो रियल रूट्स आर फाउंड, या फिर पॉसिबल लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से जो है हम लोग ये सारे चीज़ों को हमने डिस्कस किया, ठीक है। अब एक बार इंस्टीट्यूट का मैट को भी देख लेते हैं, ये क्या कहता है। चलिए देखिए, अच्छा यहाँ देखिए फर्स्ट में ये दिखाया है, देखिए यहाँ पे x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट और बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बाई टू ए। तो यहाँ पे देखिए बी स्क्वायर ये डिस्क्रिमिनेंट की बात कर रहा है, देखिए अगर इक्वल टू जीरो हो तो रूट्स आर रियल एंड इक्वल हो, अगर ग्रेटर देन जीरो हो केस थर्ड में तो क्या होगा, रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल, और डिस्टेंट रूट अलग अलग रूट हो, डिस्टेंट का मतलब अलग अलग होता है एक जैसा नहीं होगा, ठीक है। एंड लेस देन जीरो तो रूट्स आर इमेजिनरी, इमेजिनरी भी लिख सकते हो, या फिर नो रियल रूट्स आर फाउंड, ठीक है। अच्छा चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखिए ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट हमने जो है ना सारा जो है चीज़ों को क्लियर कर दिया है, ठीक है। अब ऐसा करते हैं एक बार हम लोग सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं, एक्सरसाइज में चलेंगे तो समझ में आएगा कि एक्सरसाइज में हमें क्या करना है, ठीक है। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन लिखा है एक्सरसाइज, एक्सरसाइज एफ लिखा है द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 2x स्क्वायर प्लस 8x माइनस एम क्यू इज इक्वल टू जीरो, है ना। तो आपको सॉल्व क्या करना है, देखिए कह रहा है कि देन द वैल्यू ऑफ m, आपको m का वैल्यू यहाँ पे फाइंड करने के लिए बोला है, ठीक है। क्या दिया है 2x स्क्वायर प्लस 8x माइनस एम क्यू इज इक्वल टू जीरो, तो आपको यहाँ पे वैल्यू ऑफ m बोला है। तो चलिए हम लोग एक बार बोर्ड पे आते हैं, देखिए ध्यान से 2x स्क्वायर प्लस 8x माइनस m दिया, एम क्यू दिया है इज इक्वल टू जीरो दिया है, तो कैसे करेंगे इसको, इसमें m का वैल्यू बोला है, ठीक है।
और कुछ दिया था क्या? एक बार देख लेते हैं क्या दे रहा है, ठीक है, ताकि हम लोग प्रोसीड कर सके। एक मिनट थोड़ा सा समय दीजिएगा। चलिए ओके, ओके 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 ओके। अच्छा इक्वल बोला है, रूट्स आर इक्वल बोला है, मतलब इसके जो रूट्स होंगे वो इक्वल होंगे। तो अभी मैंने बता के गया कि रूट्स इक्वल का कंडीशन क्या है, डिस्क्रिमिनेंट का जो वैल्यू है ना वो इक्वल टू जीरो होगा। चलिए अब ये बताइए मुझे बी का वैल्यू कितना है, 8 लिख दीजिए, 8 का होल स्क्वायर, ओके, -4, ए का वैल्यू 2 एंड सी का वैल्यू -m³, ओके, इज इक्वल्स टू 0। सो 8 का होल स्क्वायर 64, माइनस माइनस प्लस 8 टू ज़ 4 टू ज़ 8 m³ इज इक्वल्स टू 0। सो 8 m³ इज इक्वल्स टू -64। सो 8 8 ज़ 64, सो m³ इज इक्वल्स टू -8, ओके। जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ, इस सम्स में लग रहा है कुछ डाउट है, एक बार रीचेक करते हैं। अपने 2x² + 8x - m³ दिया हुआ है, आपको b का वैल्यू 8 मिल गया, चलिए ठीक है, 4, a का वैल्यू मुझे 2 मिल गया एंड c का वैल्यू -m मिल गया, माइनस माइनस प्लस 4 टू ज़ 8, बिल्कुल सही जा रहे हैं हम लोग। m³ का वैल्यू हमें -8 मिलेगा, बट m का वैल्यू जब हम फाइंड आउट करने जाएंगे तो -8 का पावर 1/3 होगा, ठीक है, तो इसका हम सॉल्व नहीं कर सकते हैं, इसका सॉल्व कर सकते हैं, कर सकते हैं, चलिए कर सकते हैं। सो एम इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, -2 का होल क्यूब * 1/3, सो दिस विल कैंसिल, सो एम इज इक्वल्स टू -2, द ऑप्शन विल बी -2, सो द राइट आंसर विल बी, लेट्स सी द आंसर, इट इज ऑप्शन नंबर डी। सो एक का हमारा आंसर क्या हो गया, डी। अगला क्वेश्चन की तरफ देखते हैं हम लोग, बोला है 2 का पावर x - 3 3 होल स्क्वायर डॉट 2 पावर x + 1 = 0 दिया है, देन वैल्यूज ऑफ x आर, यहाँ पे x का वैल्यू पूछ रहा है कि x का वैल्यू क्या होगा। चलिए इसके सॉल्यूशन के लिए एक बार फिर से हम लोग बोर्ड की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है, ये भी इजी है, कुछ नहीं है इसमें, थोड़ा सा लॉ ऑफ इंडिसेस का भी नॉलेज होना ज़रूरी है। खैर लॉ ऑफ इंडिसेस का मैंने पिछला वीडियो आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। चलिए नंबर 2 देखिए, पहले दिया क्या, 2 टू द पावर 2x + 3 - 3 होल स्क्वायर 2 टू द पावर x + 1 = 0, और यहाँ पे आपको कह रहा है कि आप x का वैल्यू निकाल के दीजिए कि x का वैल्यू क्या आएगा। तो सबसे पहली बात, इसे आप लिखिए पहले तोड़ करके, 2 टू द पावर क्या लिखना है यहाँ पे, 2x डॉट 2 टू द पावर 3, ये एक्चुअली एक लॉ ऑफ इंडिसेस का रूल है कि अगर ऐसा हो तो हम इसे प्लस लिख सकते हैं, तो हम क्या कह रहे हैं, रिवर्स प्रोसेस में आ गए, माइनस इसे हम लिखे 9 2 टू द पावर x + 1 = 0, ओके। नाउ हियर वी कैन राइट हेयर 2 टू द पावर x होल स्क्वायर माइनस दिस विल बिकम 8 - 9 2 टू द पावर x + 1 = 0। सो माई ऑल डियर स्टूडेंट्स, इफ आई गोइंग टू लेट 2 टू द पावर x = p, देन वट्स विल बी, दैट्स बिकम 8p² - 9p + 1 = 0, ओके। तो मुझे हमें क्या करना है, मिडिल टर्म फैक्टर करके इससे सॉल्व करना है। चलिए मिडिल टर्म फैक्टर करते हैं, 8 8 1 8 8 + 1 9 आ जाएगा, तो आप लिखिए यहाँ पे 8p² - 8 + 1 (p + 1) = 0। सो 8p² - 8p - p + 1 = 0। इन दोनों में हमें 8p कॉमन लेना है, यहाँ से p बचेगा, यहाँ से 1 बचेगा, इन दोनों में -1 कॉमन लेना है, सो p - 1 = 0। अगेन यहाँ p - 1 कॉमन, सो इट्स बिकम 8p - 1 = 0, ओके। जब हम आइदर और करेंगे, यहाँ आ जाइए,
आइदर और पी माइनस वन इज इक्वल्स टू जीरो, हियर एट पी माइनस वन इज इक्वल्स टू जीरो, सो द पी इज इक्वल्स टू वन एंड पी इज इक्वल्स टू वन बाई एट. वाइल पुटिंग द वैल्यू ऑफ पी, व्हाट्स विल गेट, टू टू द पावर एक्स इज इक्वल टू वन एंड टू टू द पावर एक्स इज इक्वल्स टू वन बाई एट. सो टू टू द पावर एक्स इज इक्वल्स टू, दिस बिकम टू टू द पावर जीरो, एनीथिंग टू द पावर जीरो दैट्स बिकम ऑलवेज वन. ओके, एंड टू टू द पावर एक्स इज इक्वल टू 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 द पावर माइनस थ्री. सो एक्स इज इक्वल्स टू, जब हम कंपेयरिंग करेंगे पावर को तो क्या आ जाएगा, एक्स इज इक्वल्स टू जीरो एंड यहाँ से एक्स इज इक्वल्स टू माइनस थ्री. सो द जीरो एंड माइनस थ्री इज द राइट आंसर. आप मैट में देखिए, आपका ऑप्शन नंबर जो है जीरो एंड थ्री, जीरो एंड माइनस थ्री, ऑप्शन नंबर डी अगेन राइट आंसर. ओके चलिए आगे देखते हैं. एक यहाँ पे दिया हुआ है, एक थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है, इसे हम लोग एक बार सॉल्व करते हैं. ठीक है, क्या दिया है, द वैल्यूज ऑफ फोर प्लस वन बाई दिस 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 दिस, इस तरीके से इन्फिनिटी टर्म तक ये लेके गया है. ठीक है, तो इसे हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान देना आप लोग. इस सम्स में भी कोई ज़्यादा टफ वाली बात नहीं है, ठीक है, बस इसे हमें अच्छे से प्रोसीड करना आना चाहिए. ठीक है, चलिए धीरे धीरे सीखेंगे, हड़बड़ाना नहीं है ज़्यादा, है ना, ज़्यादा हड़बड़ाने से फिर बात बिगड़ सकती है. ठीक है, चलिए क्या है क्वेश्चन नंबर थर्ड, x इज इक्वल्स टू फोर प्लस वन बाई फोर प्लस वन बाई फोर प्लस वन बाई फोर प्लस वन बाई फोर प्लस ऐसे ऐसे इन्फिनिटी टर्म तक दिया है. ठीक है, तो मुझे एक बात बताइए, अगर मैं केवल इसको फोर लिखता हूँ तो ये पार्ट क्या होगा, ये पार्ट की जगह पे हम x लिख सकते हैं, क्योंकि ये तो फिर से वही सिलसिला जारी हो रहा है. अगर एक समुद्र से एक बूंद पानी निकाल लेंगे तो क्या पर कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा. इसका मतलब ये पूरा x है, तो हम यहाँ पे क्या बैठा सकते हैं, x बैठा सकते हैं. इसका मतलब x इज इक्वल टू फोर प्लस वन बाई एक्स. ओके, क्योंकि ये पूरे के जगह पे हम x बैठा सकते हैं. ओके, सो अब हमारा सिंपल हो गया. बस यहीं पे मैंने आप लोगों को दिक्कत हो रही होगी कि भाई ये क्या करिए, एकदम चलते चले जा रहा है. ठीक है, कुछ नहीं करना है. अभी देखिए हमें क्या करना है, सॉल्व करेंगे. x इज इक्वल टू फोर प्लस, यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए, कुछ नहीं है तो x, सो फोर एक्स प्लस वन, अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो होगा एक्स स्क्वायर. ओके, इज इक्वल्स टू फोर एक्स प्लस वन, सो एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स माइनस वन इज इक्वल्स टू जीरो. अभी हम इसे मिडिल टर्म फैक्टर में नहीं कर सकते हैं, पॉसिबल नहीं है, तो हम क्या करेंगे, हमारे पास जो वैल्यू निकाला है फॉर्मूला है वो अप्लाई करेंगे. एक्स इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस ऑफ रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी डिवाइडेड बाई टू ए. यहाँ पे एक बार देख लीजिए, ए का वैल्यू वन है, बी का वैल्यू माइनस फोर है एंड सी का वैल्यू माइनस वन है. तो हम जो है ना, इस वैल्यूज़ को हम क्या करेंगे, यहाँ सब्सटीट्यूट कर देंगे, बस कहानी खत्म हो जाएगा. देखिए x इज इक्वल्स टू बैठाइए यहाँ पे, माइनस बी, बी की जगह पे क्या लिखेंगे, माइनस फोर ब्रैकेट दे करके प्लस माइनस ऑफ रूट ओवर माइनस फोर होल स्क्वायर माइनस फोर, ए की जगह पे क्या है वन एंड सी की जगह पे माइनस वन डिवाइडेड बाई टू इंटू वन की जगह पे क्या है, ए की जगह पे वन. ओके, सो x इज इक्वल्स टू माइनस माइनस फोर प्लस माइनस ऑफ रूट ओवर फोर का होल स्क्वायर सिक्सटीन प्लस फोर डिवाइडेड बाई टू. सो x इज इक्वल्स टू फोर प्लस माइनस ऑफ रूट ओवर ट्वेंटी डिवाइडेड बाई टू. ट्वेंटी को क्या लिख सकते हैं, फाइव इंटू फोर इंटू टू, फोर इंटू टू. सो x इज इक्वल्स टू फोर प्लस माइनस ऑफ टू रूट फाइव. ओके, डिवाइडेड बाई टू, क्योंकि फोर अगर रूट के अंदर रहेगा तो टू बाहर आ जाएगा. ठीक है, अब हम क्या करेंगे, x इज इक्वल्स टू टू कॉमन ले लेंगे, तो टू कॉमन ले ले तो क्या बचा, टू प्लस माइनस ऑफ रूट फाइव डिवाइडेड बाई टू. सो टू टू कट गया, तो आप देख पा रहे हो जो x का वैल्यू आ रहा है वो टू प्लस रूट फाइव एक आ रहा है और दूसरा क्या आ रहा है, x का वैल्यू टू माइनस रूट फाइव. ठीक है, ये दोनों ही वैल्यू आपका वैलिड है. ठीक है, तो ऑप्शन एक बार देखिए आप लोग, सो ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर. दोनों को मिला करके यही वाला दे दिया गया है. ठीक है, चलिए चलिए एक चार नंबर सम्स देखिए, आपके इंस्टीट्यूट का नंबर फोर सवाल देखिए एक बार क्या दे रहा है. देखिए नंबर फोर क्या है, अल्फा एंड बीटा बी द रूट ऑफ द इक्वेशन दिस. अगर अल्फा बीटा आपके अगर रूट का इक्वेशन दे दिया है तो वैल्यू ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का क्या होगा,
तो मैंने अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर एक सम्स मैंने बोर्ड पे बताया था, ठीक है, एक एग्जांपल लेकर के आप उसी के बिहाफ में इसको कर सकते हैं, ठीक है। अगला देखिए नंबर 5, इफ द सम ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ देयर रेसिप्रोकल ऑफ देन दिस। इसे भी देखिए आप जैसे मैंने बताया है उस हिसाब से अगर आप करने की कोशिश कीजिएगा तो हो जाएगा, ठीक है। अब ट्राई कीजिएगा, अगर नहीं होता है तो मुझे बताइएगा, मैं बता दूंगा, ठीक है। एज वेल एज आप लोग जो है इसे करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए बाय।